आवाज आ रही है सभी को? हाँ ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में अपना एस ब्लॉक हुआ था ना, कंप्लीट हो गया था ना? अच्छा, हाइड्रोजन नहीं कराया ना हमने अभी तक। हाइड्रोजन वाला चैप्टर कराया क्या? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके ठीक है, तो चलो आज हाइड्रोजन करा देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो जो हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार? इट इज 1s1 है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके आइसोटोप होते हैं ना, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप है यार? इसके 3 आइसोटोप हैं। ठीक है, एक है हाइड्रोजन जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ड्यूटेरियम, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक होता है ट्रिटियम। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, 1s1 है। सेकंड वाला क्या है, 1s2। एंड थर्ड वाला जो है वो क्या है, 1s3। ठीक है, सेकंड वाले को हम ऑब्वियसली डी भी लिख सकते हैं, और थर्ड वाले को क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो है ये क्या है, रेडियोएक्टिव। लास्ट वाला जो आइसोटोप है ये क्या है, दिस इज रेडियोएक्टिव। हम बात करेंगे परसेंटेज अबेंडेंस की, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, फर्स्ट वाले का होता है, इट इज 99.985%। ठीक है, मतलब 99.99 ही समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज हमारे पास ड्यूटेरियम का भी होता है, 0.0156%। एंड जो लास्ट वाला आइसोटोप है इसका परसेंटेज बहुत कम है, इट इज 10^-15%। ओके, इसके अलावा अगर इनके लाइक हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इन सब की बात करें, या फिर डेंसिटी वगैरह की बात करें, तो सबसे ज्यादा, अब देखो वो मोलार मास पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा मोलार मास है उतना ज्यादा हमारे पास डेंसिटी हो जाता है, उतना ही ज्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ओके, तो सबसे कम हाइड्रोजन का होगा, उससे ज्यादा ड्यूटेरियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिटियम का। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। माइक बंद ही रखूंगा यार, क्या डिस्टरबेंस वगैरह आती है, इसलिए तुम लोगों का ऑफ रखा है। अगर कुछ डाउट होगा तो हैंड रेज कर देना, ठीक है, हैंड रेज कर देना अगर कुछ डाउट आता है तो।
हो गया सबका। अब देखो हमारे पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन भी होता है ना। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही होता है, H2 होता है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, एच और एच के बीच में बॉन्ड है। अब यहां पर दोनों हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस है उनकी स्पिन पर बेस्ड होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यार दोनों हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है तो वैसे न्यूक्लियस पे क्या, प्रोटॉन। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है अगर उनका सेम स्पिन हो, अगर उनका स्पिन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ओके, ऑर्थो हाइड्रोजन मतलब सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का भी दोनों न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन उनका भी स्पिन है, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोटॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे पैरा बोलेंगे। ठीक है, अगर स्पिन जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो ये होता है अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर सेवेंटी 75% ऑर्थो होता है हमारे पास, जो भी H2 है ना उसमें 75% क्या प्रेजेंट है, ऑर्थो, एंड 25% क्या प्रेजेंट है, पैरा। ठीक है, जितना भी H2 मॉलिक्यूल है उसमें 75% ऑर्थो प्रेजेंट और 25% पैरा प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन एट वेरी लो टेम्परेचर हमारे पास जो ऑर्थो है उसका परसेंटेज बहुत कम है एंड पैरा का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है, मतलब 1% ऑर्थो एंड 99% पैरा। ठीक है, वेरी लो मतलब 20 केल्विन के अराउंड बोल सकते हो, बट वेरी लो या 20 केल्विन, 1% ऑर्थो है और 99% पैरा। तो तुम यहां से देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो है वो क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे परसेंटेज ऑफ ऑर्थो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पैरा का परसेंटेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका। ओके तो नेक्स्ट है व्यापक प्रिपरेशन। तो H2 को कैसे प्रिपेयर करेंगे यार? तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके तो H2 को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले लैब मेथड की बात कर लेते हैं। तो लैब में या तो एसिड से रिएक्शन कराएं या बेस से रिएक्शन कराएं, किसकी? मेटल की। ठीक है, मेटल जो है उसका एसिड या बेस से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो उससे हमें क्या मिल सकता है? H2 मिल सकता है। तो रिएक्शन ऑफ, और मेटल में भी जिंक वगैरह से कराते हैं जनरली, तो रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड और बेस, जैसे Zn प्लस HCl या H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इसी तरह से Zn प्लस NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ओके, तो इस टाइप से लैब मेथड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? H2 बना सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड की, तो इसके हमारे पास काफी मेथड हैं। इंडस्ट्रियली हमें क्या है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, कमर्शियली इंडस्ट्रियली। तो जैसे फर्स्ट वाला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएं, ऑब्वियसली प्योर वाटर नहीं, एसिडिफाइड वाटर, क्योंकि प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे हमें ऑब्वियसली H2 एंड O2 मिलता है। O2 जो है वो मिलता है किस पर? एनोड पर। और H2 कहाँ पर मिलता है? कैथोड पर। ओके, तो इंडस्ट्रियली एक तो हम एसिडिफाइड वाटर के, नो सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस, एसिडिफाइड वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा। और कहाँ पर मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। हो गया सबका। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर से मिलता है। इसके अलावा अगर हम ब्रायन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पे भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बताया तुम ऑलरेडी, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है ना। तो अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कैथोड जो है उस पर H2O का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे। हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में जब प्रिपरेशन कर रहे थे किसका, Na का, तो वहां पर Hg का इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो कैथोड पर यहाँ पर Hg का रिएक्शन, सॉरी Na का रिएक्शन नहीं होगा, H2O का रिएक्शन होगा। तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव H2 प्लस OH नेगेटिव,
तो ये हमारे पास आता है। इसके अलावा एनोड पर क्लोरीन का रिएक्शन होगा, एनोड पर किसका रिएक्शन होगा, क्लोरीन का, तो हमें ये मिलता है एनोड पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर NaCl जो है उसका Na पॉजिटिव एजिटिव है और ये वाला OH नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, NaOH, यहाँ पर NaOH भी मिल जाता है हमें, ठीक है। तो अगर ये सारी रिएक्शन को हम ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई यार, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, सभी का ऐड कर दो देखो, तो क्या आया, ट्वाइस Na पॉजिटिव ट्वाइस Cl नेगेटिव, मतलब ट्वाइस NaCl OH से OH नेगेटिव कैंसिल आउट, ट्वाइस NaCl प्लस H2O, और इसे ट्वाइस H2O गिव H2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस NaOH, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन आ रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन जब हम कराते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है, हमें वहां से NaOH मिल जाता है, साथ साथ H2 एंड Cl2 मिल जाता है, ठीक है। H2 कैथोड पर आ रहा है, Cl2 एनोड पर आ रहा है, इसके अलावा NaOH भी हमारे पास साथ साथ बाय प्रोडक्ट आ रहा है, क्लियर है। देखो फिर नेक्स्ट मेथड बताते हैं। यार ऑल रिएक्शन में हमने क्या किया, जस्ट ऐड किया ना, ये तीनों रिएक्शन को जब ऐड करो तो ट्वाइस Na पॉजिटिव ट्वाइस ट्वाइस Cl नेगेटिव, मतलब ट्वाइस NaCl, ओके। इसके अलावा OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो लेफ्ट साइड में ट्वाइस NaCl और ट्वाइस H2 आया, राइट साइड में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट है, H2 आएगा Cl2 आएगा और ट्वाइस NaOH आएगा, क्लियर है। ओके तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा हम अगर हाइड्रोकार्बन को या कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं तो वहां से भी हमें यही मिलेगा, ओके। तो रिएक्शन ऑफ कोक मतलब कार्बन ही होता है बट हाई टेम्परेचर पर होता है, रिएक्शन ऑफ कोक और हाइड्रोकार्बन विद स्टीम, तो स्टीम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन प्लस H2O, H2O यहां पर क्या स्टीम है, टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री के अराउंड रखें, ओके। तो यहां से हमें मिलेगा CO प्लस H2, ओके। तो CO और H2 का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं, याद रखना, सिन गैस या सिंथेसिस गैस, दूसरा नाम है इसका वाटर गैस, ओके। ये अच्छा फ्यूल है, इट इज गुड फ्यूल बिकॉज आगे इसका क्या हो सकता है, कंबसन हो सकता है, इसमें CO भी है और H2 भी है, दोनों का कंबसन हो सकता है, इसलिए अच्छा फ्यूल है, ओके। तो कार्बन से तो मिल ही सकता है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से भी मिल सकता है, तो जैसे CH4 प्लस H2 ऑब्वियसली स्टीम, तो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, CO और H2 का मिक्सचर आएगा, ठीक है। तो दिस मिक्सचर इज सिन गैस और सिंथेसिस गैस। अब देखो इसे सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके। CO और H2 को सेपरेट करना क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फर्दर स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो जो CO है वो आगे रिएक्ट कर जाता है
स्ट्रीम से, एंड उससे हमें मिल जाता है CO2 एंड H3, तो हमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और मिल जाएगा, ठीक है। और अब इस रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमें एक्स्ट्रा H2 गैस मिलेगा, और यहाँ पर जो CO और H2 का मिक्सचर है उसे आराम से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। CO and H2 के मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट था, बट CO2 एंड H2 के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा। हो गया सबका? ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ H2, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो कलरलेस गैस होती है,
ठीक है, कोई स्मेल भी नहीं होता, ऑर्डरलेस भी है, ऑडियोलेस भी है, इसके अलावा टेस्टलेस भी है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। अच्छा, कंबस्टन इजीली हो सकता है तो कंबस्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजन से इजीली रिएक्ट कर सकता है, इजीली मतलब कि वहां पर थोड़ा अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद हेलोजन, तो H2+H2 गिव HF, ठीक है, ये बनता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन ऐसा है कि यार F2 के साथ डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, F2 के साथ डार्क में भी रिएक्शन हो सकती है, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ सनलाइट चाहिए, क्लोरीन के साथ क्या चाहिए, तो सनलाइट चाहिए। अगर हम बात करेंगे Br2 की, तो Br2 के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और I2 जो है इसके लिए हाई टेम्परेचर तो चाहिए, साथ साथ कैटलिस्ट भी चाहिए। ठीक है, एंड क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर भी चाहिए, साथ साथ में कैटलिस्ट चाहिए, दोनों चाहिए, क्लियर है, ठीक है। मतलब डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता जा रहा है, रिएक्शन थोड़ा सा, मतलब हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट होता जा रहा है, हो गया सबका। अब तो ये हो गया रिएक्शन विद हेलोजन। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये तो पता ही है तुम्हें सभी को, O2 के साथ क्या होता है, H2 बनाता है ना, H2+O2 है ना, और इस रिएक्शन में काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, बिकॉज ये क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है ना। तो इस टाइप से H2 से रिएक्शन होगी, सॉरी O2 से रिएक्शन होगी, देन रिएक्शन विद N2, तो रिएक्शन विद N2 क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ यार, N2+H2 क्या देता है, NH3 देता है यार, रिवर्स प्रोसेस था ना वो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि हम आयरन की बात करते हैं, मतलब कैटलिस्ट में क्या लिया जाता है, आयरन, इसके अलावा टेम्परेचर जो है 400 डिग्री होता है और प्रेशर जो है वो 200 ppm होता है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल के साथ ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है,
मेटल के साथ क्या बना देगा, हाइड्राइड बना देगा. तो मेटल प्लस एच टू विल गिव मेटल हाइड्राइड. ठीक है, अगर तुम्हें देखना है कि किस किस टाइप के मेटल हाइड्राइड बनेंगे, तो जैसे बन गया एन ए एच या सी ए एच टू एटसेट्रा. ठीक है, इस टाइप के कुछ मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे. इसके अलावा अगर इसका रिएक्शन हम कराएं मेटल आयन के साथ, तो उनको ये रिड्यूस कर देगा. रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड को भी ऐसे ही करता है. ठीक है, तो मेटल आयन या मेटल ऑक्साइड जो उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. जैसे एच टू प्लस पी डी टू पॉजिटिव, तो ये पी डी टू पॉजिटिव को पी डी में कन्वर्ट करेगा ऑब्वियसली एच प्लस मीडियम है. एच टू प्लस पी डी टू पॉजिटिव विल गिव पी डी प्लस एच पॉजिटिव. ठीक है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो हम बोल सकते हैं ये इसका क्या हो गया भाई, ये इसका रिड्यूसिंग नेचर हो गया. ओके, एच टू का एक तरह से क्या हो गया, रिड्यूसिंग नेचर हो गया. खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. हो गया, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन विद मेटल आयन, जिसमें हम रिड्यूसिंग नेचर देख रहे हैं इसका. इसके अलावा ये जो है ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता ही है. इसकी वजह से ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बना देता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन होती है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है, कैटलिस्ट यूज किया जाता है निकल. जैसे एल्कीन जो है उनको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एल्काइन है तो पहले वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा. अगर हमारे पास एल्काइन है तो पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में. फिर एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है वेजिटेबल ऑयल वाला कॉन्सेप्ट, कि वेजिटेबल ऑयल जो है उसको ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वहां पर भी पहले अनसैचुरेटेड होता है, बाद में जो वेजिटेबल घी है वो सैचुरेटेड वाला टाइप. ओके, तो इस टाइप से हमारे पास जो एच टू है ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. एच टू जो है उसकी वजह से वो सब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. ओके, देखो फिर आगे चलते हैं.
हो गया सबका। सही हो गए, इसके प्रॉपर्टीज अच चुके। अच्छा, हमने जीआईएस में हाइड्राइड कराया है क्या? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्राइड कराया है क्या? हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड कराया है क्या? जीआईसी के नोट्स देखो, कराया क्या हाइड्राइड? कराया हाइड्राइड? सुहाना बोल रहे कराया, सुहाना नहीं, एल एल नॉट एल, एल बोल रहा है कराया है। कराया है क्या हाइड्राइड? देन उसके बाद आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन गैप कराया है ना? ठीक है, तो हाइड्राइड कराया है, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर बाकी कंपाउंड्स पर। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसमें हम चलते हैं अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड पर। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये क्या होता है? इट इज H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज H2O2। अब देखो H2O2 की अगर हम बात करें तो यार ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, नॉन प्लेनार, मतलब प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या दो प्लेन होते हैं, जैसे बुक में नहीं होता, अपने अपन जब बुक ओपन करते हैं तो अपने बुक में दो प्लेन आते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर भी क्या आते हैं? दो प्लेन आते हैं। ओके, तो एस, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर अपने पास एक प्लेन जो है, मैं बोल रहा हूँ ये हो गया, दिस इज वन प्लेन, ओके, एंड ये दूसरा प्लेन हो गया, दिस इज अनदर प्लेन। समझ आया? तो दो प्लेन है। अच्छा, गैस फेस में अलग होता है और सॉलिड फेस में अलग होता है, तो गैस मतलब स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस एंगल का डिफरेंस आता है। तो एस ओ ओ एस इसी टाइप से रहेगा सॉलिड फेस में भी, लेकिन एंगल थोड़े अलग टाइप से रहेंगे। तो अपने पास एक ही आ गया, दूसरा प्लेन ये, ठीक है। तो क्या होता है, वाले प्लेन के अंदर वाले जो एंगल है, ये गैस फेस में ये एंगल होता है 94.8 डिग्री, ठीक है, एंड जो सॉलिड फेस है उसमें ये एंगल होता है 101.9 डिग्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली 102 ही हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये प्लेन, दो प्लेन इनके बीच का जो एंगल है, ये गैस फेस में होता है 111.5 डिग्री, और सॉलिड फेस में और ऑलमोस्ट दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एंगल होता है 90.2 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल है बिटवीन टू प्लेन, ठीक है, दो प्लेन के बीच का जो एंगल है, जैसे बुक अपन बुक को ओपन करते हैं तो बुक में दोनों पेज के बीच का जो एंगल है बेसिकली उसकी बात हो रही है। वो एक केस में 111 डिग्री, दूसरे में 90.2 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को हम डायहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। ओके, इस एंगल को क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल।
ओके, तो डायहेड्रल एंगल जो है वो ये वाला, दिस इज डायहेड्रल एंगल। ओके, तो ये क्या है, ये है भाई एंगल बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है इट इज डायहेड्रल एंगल। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। तो ये टू ओ टू का हो गया सबका। अब देखो बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की, तो H2O2 को कैसे प्रिपेयर करते हैं यार। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है परोक्साइड से। ठीक है, हम अगर परोक्साइड का रिएक्शन कराएं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो उससे हमारे पास ये बन जाता है। तो रिएक्शन ऑफ परोक्साइड विद H2SO4। ठीक है, जैसे अगर हमने रिएक्शन कराई BaO2 के साथ, तो यहां पर मिलेगा BaSO4 प्लस H2O2। या अगर हमने रिएक्शन कराई Na2O2 के साथ, दैट इज ऑल्सो परोक्साइड, तो उससे भी हमें H2O2 मिलेगा, साथ में Na2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से परोक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे विद H2SO4 तो हमें ये मिल जाएगा। देन अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएं, पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराएं एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस एंड देन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 and then hydrolysis, okay, so electrolysis of H2SO4 उसके बाद hydrolysis, तो H2SO4- मतलब H2SO4 में H2SO4- का रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो है इससे हमें मिलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये मिल जाता। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, H2। क्लियर है, तो सेकेंड वाले रिएक्शन में कुछ इस टाइप से हो रही है, पहले H2SO8 है। ठीक है, ये हमें है जो H2SO5 है
ये फिर से जब हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं, ओके, तो सर एच टू होती है, इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन होती है सेकेंड वाला। हो गया सबका? ओके, तो अब देखो थर्ड वाले मेथड में क्या है। तो थर्ड वाला जो मेथड उसमें है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल जो है ये क्या होता है, देखो तो ऐसे तीन बेंजीन रिंग है, C2H5। ओके, सो दिस इज टू इथाइल एंथ्राक्विनोल और अब इसका जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या होता है, दोनों जगह से जो एच है वो निकल जाता है और H2O2 बन जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है जो जगह ऑक्सो ग्रुप, तो ऐसा आ जाता है हमारे पास ऑब्वियसली इधर C2H5+H2O2। तो ये जो बनाए बाद में, इट इज टू इथाइल एंथ्रा क्विनोन, ये क्या टू इथाइल एंथ्रा क्विनोन है। ओके,
तो इस साइड से हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके क्या मिल जाता है, H2O2 मिल जाता है, साथ में ऑब्वियसली ट्रिथाइल एंथ्रा क्विनोन मिलता है, दिस इज क्विनोन, ट्रिथाइल एंथ्रा क्विनोन, ओके। एंड अगर हम वापस रिडक्शन कराएंगे तो याद रखना हमें मिल जाएगा एंथ्रा क्विनोल मिल जाएगा, ओके। तो इस टाइप से H2O2 जो है उसके थ्रू मतलब सॉरी ट्रिथाइल एंथ्रा क्विनोल के थ्रू H2O2 प्रिपेयर किया जा सकता है। हो गया सबका, ओके। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में यार ये अगर हम देखें तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज में हम अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो कुछ ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है, ओके। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका होता है 423 केल्विन, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 273 केल्विन है अप्रोक्सीमेटली, ये 272.4 केल्विन, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इसका क्या है 0 डिग्री, मतलब वाटर जितना ही समझ लो। डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा, ऑब्वियसली मोलर मास ज्यादा है तो वाटर से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन इसका इजीली हो जाता है, ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम मतलब लाइट के प्रेजेंस में जनरली डिकम्पोज होता है, इसलिए हम इसको डार्क वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
therefore it is stored in wax lined glasses or in plastic vessel in dark. ठीक है, तो इससे हम इसको डार्क में ही रखते हैं जनरली, जिससे कि लाइट पास ना हो या सनलाइट ना आए. अगर सनलाइट आ गई तो क्या है, डिकम्पोज हो जाएगा. और डिकम्पोज होके देता क्या है यार, तो डिकम्पोज होके देता है H2O+O2. ओके, तो H2O2 जो है वो डिकम्पोज होके क्या देता है, H2O+O2 दे देता है. तो अगर हमें डिकम्पोजिशन को रोकना है तो सनलाइट को पास नहीं करने देना है, इसलिए हम ग्लास बोतल के बजाय या ट्रांसपेरेंट बोतल के बजाय या तो इसको वैक्स लाइन ग्लास में रख दें या फिर प्लास्टिक वेसल वगैरह में रखें, और वो भी डार्क में रखें जिससे कि सनलाइट पास ना हो. हो गया सबका, ठीक है. अब इसके अलावा ये एसिडिक नेचर भी रख सकता है, बिकॉज इसके पास OH ग्रुप है. तो एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर जो है बिकॉज इसके पास क्या है, OH ग्रुप है. तो देखो NaOH+H2O2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NaOH बेस का काम कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये बना लेता है Na2O2+H2O. इसी टाइप से अगर हम इसकी रिएक्शन करा है Na2CO3 के साथ, तो वहां पर Na2CO3 बेस का काम कर रहा है और ये H2O2 एसिड का, तो वहां पर भी सोडियम परऑक्साइड मतलब Na2O2 बनेगा. ठीक है, साथ में CO2 एंड H2 आ जाएगा. तो इस टाइप से हम इसका एसिडिक नेचर देख सकते हैं. बाकी ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है. ठीक है, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग and reducing agent. तो जब ये oxidizing agent का काम करेगा, तो खुद क्या होगा, reduce होगा. और reduce होगा तो reduce किस में होगा यार, ये तो reduce हो जाता है H2 में. H2O2 में -1 oxidation number है ना, तो reduce होकर -2 में चला जाता है. तो itself reduces to H2O. ठीक है, खुद H2 में रिड्यूस होगा, बाकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, तो जैसे PbS जो है उससे उसको मतलब उसको दे देगा PbSO4. ओके, Ki जो है उससे बना लेगा I2. Fe2 पॉजिटिव जो है मतलब फेरस सल्फेट हुआ तो उससे बनाएगा फेरिक सल्फेट. ओके, इसके अलावा H2S हुआ
तो उसको कन्वर्ट करेगा इसी पर। ओके, तो इस टाइप से ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो जनरली एसिडिक मीडियम वगैरह में होंगी, बट बेसिक मीडियम में भी यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। जैसे Mn2 पॉजिटिव है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा Mn4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन है जिसमें ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। इनको ये ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और खुद रिड्यूस होके क्या देगा, H2O देगा। ठीक है, तो जब मैं ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हो, जैसे सल्फर -2 से +6 गया, देन आयोडीन -1 से 0 गया, Fe +2 से +3 गया, है ना। यहाँ पर भी सल्फर -2 से किस में गया, 0 में गया। ओके, यहाँ पर सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना, तो इधर Mn +2 से +4 में गया है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो H2O जो है वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को, मतलब H2O2 जो है खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। हो गया सबका? ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी कर सकता है, क्योंकि ये खुद क्या है, H2O में भी जा सकता है और O2 में भी जा सकता है ना। तो जब H2O में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन जब O2 में कन्वर्ट होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो एज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ओके। तो अब देखो, खुद रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो MnO4 नेगेटिव वो ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, +7 से +2। HOCl जो है उसको ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर HOCl में +1 है, Cl नेगेटिव में -1 है, तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी टाइप से बेसिक मीडियम में भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे I2 को ये I- में रिड्यूस कर देगा। MnO4 नेगेटिव हमने वॉल्यूमेट्रिक में बताया है कि एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो किस में जाता था, MnO2 में जाता है। ठीक है, तो आयोडीन 0 से -1 गया, Mn जो है वो +7 से +4 गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक मीडियम में, और ऊपर वाला जो है वो एसिडिक मीडियम।
हो गया ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एजेंट देखो। ब्लीचिंग क्या होता है, हमारे पास H2O2 जो है ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, इट गिव्स H2O+O2, एक्चुअली हाफ O2 बट उस समय नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकता हूँ, एकदम तुरंत जब बनेगा तो O फॉर्म में बनेगा, देन वो O2 बना लेगा ठीक है। तो दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन है ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट का काम कर सकता है, मतलब इसकी वजह से ब्लीचिंग होता है। तो ब्लीचिंग क्या है एक्चुअली, तो कलर्ड सब्सटेंस जो है वो कलरलेस हो जाते हैं ठीक है। कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव कलरलेस सब्सटेंस, तो दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग ओके। हो गया सबका ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया H2O। अब लेते हैं हम नेक्स्ट वाला कंपाउंड जो कि है वाटर H2O। तो फर्स्ट कंपाउंड था H2O2, नेक्स्ट हम लेंगे वाटर या फिर H2O। तो यार अगर हम बात करेंगे गैस फेस की, तो गैस फेस में H2O कैसा है भाई, इस टाइप से ठीक है। ये जो एंगल होता है इट इज 104.5 डिग्री। अगर हम बात करेंगे लिक्विड फेस की, तो लिक्विड फेस में क्या है, लिक्विड फेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन H2O मॉलिक्यूल एंड इस टाइप से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड फेज ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
या हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हम बात करेंगे सॉलिड फेज की, तो सॉलिड फेज मतलब आइस, ठीक है। तो आइस जो है ये हम बोल सकते हैं सॉलिड फेज है ना, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आइस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आइस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन विच ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन एटम या फोर ऑक्सीजन एटम, बट वो बीच में हाइड्रोजन आता है, सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन, लिख देते हैं फोर हाइड्रोजन एटम टेट्राहेड्रली टू गिव केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होती है। अच्छा डेंसिटी अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी वाइज किसका डेंसिटी ज्यादा, मतलब H2O का या आइस का, मतलब वाटर और आइस में अगर हम कंपेयर करें तो आइस जो है उसका डेंसिटी कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है। और ड्यू टू दिस रीजन ओनली हमारे पास जो आइस है वो वाटर पर क्या करता है, फ्लोट करता है। ओके, आइस कैन फ्लोट ओवर वाटर। ओके, ड्यू टू दिस रीजन ओनली आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। क्लियर है सबको? ओके, तो दिस इज वाटर, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाला जो है याद रखना, दिस इज गैस फेस है ना, फर्स्ट वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो गैस फेस वाला है, बाकी सेकंड वाला लिक्विड फेस का है, और सॉलिड फेस जो है वो क्या है, आइस। ठीक है, तो लिख लो, एंड इसके बाद ब्रेक है, आफ्टर ब्रेक आगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लेंगे। ठीक है, तो आगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए इसके वाटर के स्ट्रक्चर, देन अब लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम मेनली बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। मतलब रिएक्शन की। तो अब देखो इसका क्या है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है।
जैसे अगर हम बात करें HCl के साथ, तो HCl के साथ ये जब रिएक्शन करता है तो देता है Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में HCl जो है वो एसिड का काम करता है। HCl किसका काम कर रहा है? एसिड का। H2O किसका काम करेगा? बेस का। इसी टाइप से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NH3 के साथ, तो NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर NH3 बेस का काम कर रहा है, तो H2O किसका काम करेगा? एसिड, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं H2 एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी, ओके। या फिर इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि H2O प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसमें क्या, एक H2O जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हो गया बेस, और दूसरा H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है तो वो हो गया एसिड, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो H2O है वाटर, उसका एम्फोटेरिक नेचर, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है? लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? ओके, सो वाटर का एम्फोटेरिक नेचर है। इसके अलावा वाटर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी कर सकता है, मतलब कुछ कुछ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन की तरह भी रहेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन एन ए प्लस H2O गिव्स एन ए ओ एच प्लस H2। तो यहाँ पर एन ए का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, H2O जो है उसमें हमारे पास हाइड्रोजन का प्लस वन है, NaOH में एन ए का देखो प्लस वन और H2 में हाइड्रोजन का 0। तो यहाँ पर एन ए देखो रिड्यूस, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से रिडॉक्स रिएक्शन भी करता है। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस भी करता है, हाइड्रोलिसिस तो हमने बताया ही है तुम्हें, है ना, GIC में। तो SiCl4 प्लस H2O विल गिव SiO2 प्लस HCl, या फिर P4O10 प्लस H2O गिव H3PO4, या फिर नाइट्राइड जो है उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां से एनएसी अमोनिया बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हो गया हाइड्रोलिसिस वाला। देन हाइड्रेट भी ये फॉर्म करता है, हाइड्रेट मतलब जिनमें डॉट H2O रहता है, ठीक है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन जैसे CR H2O होल 6 Cl3, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CR Cl3.6 H2O। तो यहाँ पर हाइड्रेट बन रहा है, ठीक है, H2O आ रहा है। इसी टाइप से Cu H2O होल 4 SO4.H2O, तो इसको हम लिख सकते हैं CuSO4.5H2O।
अब एक्चुअली फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जस्ट मतलब ये जो H2 है वो जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम बोल सकते हैं ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन सेकंड वाले केस में ये अंदर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बाहर वाला H2 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो बोथ कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी, ओके। लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए वाटर के प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम यहां पर बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो यार हार्ड वाटर या हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? तो देखो क्या होता है, जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अगर वाटर के अंदर है तो वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, हम बोल सकते हैं कि लेसर नहीं देता है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस टाइप का जो वाटर उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी इसको हम बोल देते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। तो इफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ, सॉल्युबल सॉल्ट में यहाँ पर याद रखना क्या क्या आता है, एक तो बाइकार्बोनेट आता है, एक सल्फेट आता है और एक क्लोराइड आता है, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर ये वाले सॉल्ट बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड, ठीक है, एक सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर, देन वाटर डज नॉट गिव लेथर विद सोप, दिस टाइप ऑफ वाटर is called hard water
एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वॉटर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई, झाग क्यों नहीं देता है? तो देखो हमारे पास जो उसमें ये रहता है C17-35, ये होता है सोप के अंदर। तो अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो हमारे पास वहां पर क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो एक्चुअली पीपीटी बना लेता है। अगर कैल्शियम का हमारे पास सॉल्ट है तो बन जाएगा C17H35CO2CA, और अगर मैग्नीशियम का है देन बन जाएगा C17H35CO2N, ये बन जाएगा। ठीक है, एंड साथ में ऑब्वियसली बना है, ये एक्चुअली क्या है, पीपीटी। ठीक है, तो ये पीपीटी टाइप बन जाता है। तो अभी हमारे पास मेन ये जो है ये सॉल्ट का मतलब ये हमारे पास कपड़े साफ करने का काम करता है, बट ये तो प्रेजेंट रहेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्या बन गया, पीपीटी बन गया, और उसकी वजह से कपड़े साफ नहीं हो पाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि झाग नहीं आ पाएंगे। ओके, तो इस टाइप के वाटर को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका। अब देखो हमारे पास ये जो हार्डनेस है ये दो टाइप की रहती है। तो टाइप ऑफ हार्डनेस तो फर्स्ट वाला जो टाइप है वो है टेम्परेरी हार्डनेस। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी हार्डनेस है तो निकल जाएगी और परमानेंट है तो कभी निकलेगी नहीं, दोनों निकल जाती हैं, बट टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको हम इजी मेथड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट मतलब SCO3 नेगेटिव, है ना, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके वजह से वाली हार्डनेस आती है। तो इसको रिमूव करने के लिए देखो मेथड क्या है, तो इट इज रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड। तो फर्स्ट है बॉइलिंग, बॉइल करके भी हम इस टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, देखो तो अगर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है सॉलिड, ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो ये Mg2+ दे देता है इजीली, है ना,
और Mg2+3 की वजह से फिर आगे साबुन काम नहीं करता, बिकॉज वो PPT बना लेता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में अगर Mg2+3 या Ca2+3 नहीं होगा तो फिर हार्डनेस नहीं आएगी, है ना। एक्चुअली ऑन बॉइलिंग ये हमें देता है MgOH2, जो कि PPT है, इनसॉल्युबल है वो। तो यार अगर हमारे पास इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गया MgOH2, मतलब Mg का आयन अवेलेबल नहीं है। तो अगर Mg का आयन अवेलेबल नहीं है फिर वो साबुन के साथ PPT नहीं बनाएगा, और साबुन के साथ अगर वो PPT नहीं बनाएगा तो फिर ऑब्वियसली ऐसे केस में साबुन झाग दे देगा, ठीक है। तो मतलब हमें बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट लेके आने, हार्डनेस को अगर रिमूव करना है, ठीक है। या कैल्शियम और मैग्नीशियम को हमें फ्री स्टेट में नहीं रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सॉल्यूशन में नहीं रखने हैं, उन्हें हटाना है, ठीक है। ऐसे अगर हमें यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया तो वो जो है ऑन बॉइलिंग या ऑन हीटिंग देता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट देता है, प्लस CO2 आएगा प्लस H2 आएगा, ओके। तो ये बॉइलिंग से हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड जो है इसमें लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर इज CaOH2। तो अगर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसका हम रिएक्शन कराएंगे CaOH2 के साथ, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो कि हमने क्या बताया फ्री स्टेट में नहीं रखेगा कैल्शियम को, सॉरी मैग्नीशियम को, साथ साथ CaCO3 आएगा, ओके, एंड H2 आएगा। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं मिलेंगे। ऐसे अगर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ तो उससे जब लाइम वाटर रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, जो कि ऑब्वियसली PPT है ना, मतलब कैल्शियम के आयन नहीं होंगे फ्री स्टेट में। इसके अलावा H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जब हार्डनेस को रिमूव किया तो क्या किया, जो सॉल्युबल सॉल्ट थे उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं होंगे, और अगर आयन नहीं है तो ऑब्वियसली हार्डनेस रिमूव हो गई, अब हार्डनेस नहीं आएगी, ओके। लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका ना? ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, सॉरी फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डनेस था। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रहती है, कभी जाती नहीं, बट उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट मेथड रहेगा या थोड़ा हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। तो ये वाली जो हार्डनेस है ये होती है ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हमारे पास मतलब CaCl2 है, MgCl2 है, या CaSO4 है, MgSO4 है, इनमें से कोई भी सॉल्ट वाटर में है, देन इस टाइप का हार्डनेस होगा। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं? तो इट इज रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो फर्स्ट है यहां पर रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? इट इज Na2CO3। ठीक है, तो Na2CO3 या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करके इस टाइप की हार्डनेस दूर हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास क्लोराइड है, ठीक है, तो उसका Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे, या अगर हमारे पास क्लोराइड ना होके सल्फेट है, ठीक है, तो उसका Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर M क्या है? M कैन बी Ca2+ और Mg2+। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा? MCO3, ऑब्वियसली वो इनसॉल्युबल है। सेकेंड वाले केस में भी क्या बनेगा? MCO3। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोनेट बन जाएगा जो कि क्या इनसॉल्युबल है। इसके अलावा साथ में क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले केस में NaCl आएगा और सेकेंड वाले केस में Na2SO4 आएगा। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएंगे। इसी टाइप से सेकेंड वाला जो मेथड है वो है कार्लगंस मेथड। अब एक्चुअली कार्लगंस जो है वो ये है Na2 Na4 PO4 CO3 6। दिस इज कार्लगंस। ओके, इसको कार्लगन बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम किसी का भी आयन रहा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली Ca या Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी का भी आयन रहा, तो वो इससे जब रिएक्ट करेगा तो अंदर वाला जो N है उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अंदर वाले N को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास आएगा Na2 M2 PO3 O3 आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। ओके, और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में हो गई, अब देखो M यहाँ पर अंदर है ना, तो फ्री स्टेट में नहीं है, दैट्स व्हाई मतलब साबुन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये साबुन के साथ पीपीटी नहीं बनाएगा। ठीक है, साथ में क्या आएगा? साथ में आ जाएगा Na+। ओके, 4 Na+ आ जाएंगे। यहाँ पर हमने ये दो आयन लिए होंगे इसके, और साथ में मिलेंगे 4 Na+। ओके, तो ये हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस और उसको रिमूव करने के दो मेथड। इसके अलावा और भी मेथड है,
हो गया सबका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थर्ड मेथड जो है वो है परमिटेड मेथड। इसका दूसरा नाम है परमिटेड मेथड का दूसरा नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है यार, हमारे पास होता है Na2 Al2 Si2 OH डॉट XH2, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परमिटेड। इसको क्या बोलते हैं? परमिटेड। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं जेड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज Na2Z। ओके, तो Na2Z प्लस Ca2+ या फिर Mg2+ जो भी हम ले रहे हैं, वो क्या करेगा, मतलब हमारे पास या तो कैल्शियम का सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम का होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ बना लेगा CaZ या फिर बनाएगा MgZ जो कि इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से, इस मेथड के थ्रू, ऑब्वियसली आयन एक्सचेंज ही हो रहा है तो इसे आयन एक्सचेंज मेथड बोल रहे हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। हो गया सबका? ठीक है, अब आता है लास्ट मेथड हार्डनेस रिमूव करने वाला। इसको बोलते हैं हम सिंथेटिक रेजिन मेथड या फिर इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के
रेजिन लिए जाते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और एक होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है ये हमारे पास एसिड ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे आर सी ओ एच हो गया या फिर आर एस ओ सी एच हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पास रहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन में। और एनायन एक्सचेंज रेजिन जो है इसमें बेसिक का आर होता है, ठीक है, मतलब बेसिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन वगैरह से अटैच होता है, जैसे आर एन एच सी ओ एच, ठीक है, ये हो गया एनायन एक्सचेंज ग्रुप। तो क्या होता है यहाँ पर, पहले हम पास करते हैं हार्ड वाटर को थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, तो फर्स्ट हार्ड वाटर इज पास थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड देन थ्रू एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, तो पहले कैटायन एक्सचेंज रेजिन से थ्रू पास कर देंगे, फिर एनायन एक्सचेंज रेजिन से थ्रू। जैसे मान लो हमारे पास हार्ड वाटर में CaCl2, तो जब उसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू हमने पास किया, मान लो हमारे पास कैटायन एक्सचेंज रेजिन में है RCOOH, ठीक है, दो टैंक होंगे एक्चुअली, एक में कैटायन एक्सचेंज रेजिन डालेंगे, एक में एनायन एक्सचेंज रेजिन डालेंगे। तो पहले मान लो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू पास किया, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा RCO2CS, तो हमारा काम एक्चुअली ऑलमोस्ट यहीं पे हो गया है, ठीक है, तो ये मिल गया जो कि इनसॉल्युबल होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या मिल गया, H पॉजिटिव मिल गया, साथ में Cl नेगेटिव मिल गया। अब पास करेंगे इसको एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू, ओके, तो एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू ये जो Cl नेगेटिव है ये रिएक्ट कर जाएगा। मान लो हमारे पास एनायन एक्सचेंज रेजिन में RNH3OH, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव, तो ये बना लेगा RNH3Cl+OH नेगेटिव, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों Ca और Cl जो यहाँ पर यहाँ से निकल गए। फिर जो OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव, हमें एक्स्ट्रा वाटर भी दे सकता है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन से H पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड से OH नेगेटिव, तो इसके थ्रू हमें एक्स्ट्रा वाटर भी यहाँ पर मिल सकता है। तो पहले वाला वाटर तो सब हो ही जाएगा, बिकॉज इससे Ca2 पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव वगैरह के आयन निकल गए होंगे, बट साथ में एक्स्ट्रा H2O भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर सल्फेट होता तो ऑब्वियसली इसमें सल्फेट आ जाता और यहाँ पर सल्फेट जो है वो इधर आ जाता, ठीक है, तो सेम चीज होती इस केस में, तो एक्स्ट्रा वाटर इज ऑल्सो फॉर्म। क्लियर है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर भी बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस था, परमानेंट हार्डनेस था। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के दो मेथड थे, वो ड्यू टू बाइकार्बोनेट होता है, एंड परमानेंट हार्डनेस जो है ये ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट होता है। इसको रिमूव करने के चार मेथड, ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
ओके हो गया सबका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हार्डनेस। अब चैप्टर ऑलमोस्ट वैसे कंप्लीट है। चलो एक और यहाँ पर कंपाउंड वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड था H2O, तो सेकंड हो गया H2O। नेक्स्ट है यहाँ पर हैवी वाटर। ठीक है, तो दिस इज लास्ट वन। तो हैवी वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं D2O के। याद है हैवी वाटर में D जो है वो क्या है? थोड़ी देर पहले हमने मतलब जब लेक्चर स्टार्ट किया था D बताया था, ड्यूटेरियम है ना। दिस इज ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम है ना। तो हमारे पास एक्चुअली वाटर में ये प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास जब हाइड्रोजन जो है जो भी ओवरऑल हाइड्रोजन है उसमें ड्यूटेरियम भी है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल H2O में D2O भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी वाटर है कंटेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ D2O। कितना भाई? तो अगर हमारे पास मान लो 600 पार्ट ऑफ वाटर, उसमें 1 पार्ट ऑफ D2O आएगा। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ D2O इन 600 पार्ट ऑफ वाटर। मतलब अगर हमने मान लो वाटर के 600 ड्रॉप लिए, तो उसमें एक ड्रॉप किसका आ जाएगा? D2O का आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट यार वैसी है जैसी वाटर की थी। ये कलरलेस होता है, ऑडियोलेस होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट वही है जो वाटर वाली है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी बिकॉज मोलार मास अलग है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन वगैरह ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एज H2O, फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह थोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन है यूज वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में इसको एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया D2O हैवी वाटर। ओके, लिखो।
ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर अपना खत्म हो गया है, तो यहीं पे लेक्चर एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सी ब्लॉक एलिमेंट। ओके सर, कैन यू रीड सेकंड पॉइंट अगेन? सेकंड पॉइंट है, ऑर्डिनरी वाटर कंटेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ D2O, वन पार्ट ऑफ D2O इन 600 पार्ट ऑफ वाटर। ओके तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट।